खबर मैनपुरी से है, जहां पर थाना कुरावली पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में चार सात लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को कुरावली के ज्वेलर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे संबंधित जेवरात, नकदी, लूटा गया मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व कारतूस को पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना कुरावली क्षेत्र के अंतर्गत लखौरा ऊंचा मार्ग पर थाना कुरावली पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगे। इसके साथ ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये थाना कुरावली के जखौरा औछा रोड पर इंस्पेक्टर कुरावली और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी, जिसमें 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो वो चकमा देकर के भागने लगे। जब पुलिस ने उनकी घेराबंदी की तो वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर के गिर गया। जब उसको उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रदीप सनाप जगदीश निवासी विधिपुर थाना हाथरस जनपद हाथरस बताया। और इसके बारे में जब जानकारी की गई तो इसके 2 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं, जिसमें से मुख्य रूप से एटा और हाथरस में कई लूटे, मर्डर और गैंगस्टर जैसे मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। और थाना कुरावली में 4 जनवरी को जो लूट हुई थी एक ज्वेलर्स के साथ, उसमें से जो लूटी गई कुछ नकदी और कुछ ज्वेलरी और उस घटना में लूटा गया वादी का मोबाइल और उस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, ये इसके कब्जे से बरामद हुई है। साथ ही एक 315 बोर का कट्टा जिससे वो फायरिंग किया था वो बरामद हुआ है, उससे संबंधित कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। तो एक बड़ा शातिर लुटेरा और अपराधी है, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और जो 3 बदमाश इसमें भागे हुए हैं उनकी टीम बना करके गिरफ्तारी घेराबंदी की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।